राहुल गांधी के न्याय यात्रा में जीतू पटवारी की अग्नि परीक्षा। आज फिर मध्य प्रदेश दौरे पर हैं पीसीसी चीफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद पहली बार जीतू पटवारी की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी आ रही है। मार्च महीने के पहले सप्ताह में ही यह यात्रा एमपी आएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अलर्ट पर हैं और प्रदेश भर का दौरा कर चुके हैं। इसी क्रम में पटवारी मंगलवार से फिर प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को एमपी में प्रवेश करेगी। इस यात्रा को लेकर एमपी कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बैठकें लेकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। यात्रा को लेकर 23 अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगामी 2 मार्च को राजस्थान के धौलपुर से एमपी के मुरैना में प्रवेश करेगी। यह यात्रा में एमपी में 5 दिन रहेगी। 5वें दिन यात्रा रतलाम के सैलाना से राजस्थान के बाड़मेर जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। मुरैना से होगी राहुल गांधी की जनसभा। मुरैना में प्रवेश के साथ ही राहुल गांधी की पहली जनसभा यहां पर आयोजित की गई है। सभा के बाद रोड शो, नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को संबोधित किया जाएगा। राहुल गांधी मुरैना से लेकर रतलाम तक प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मुरैना जिले में दोपहर 1:30 बजे प्रवेश करेगी। मुरैना के पिपराई गांव में एक आम सभा होगी। अगले दिन 3 मार्च को यात्रा सुबह 8:30 बजे ग्वालियर शिवपुरी आएगी, जबकि 4 मार्च को गुना राजगढ़ और 5 मार्च को यात्रा राजगढ़ शाजापुर और उज्जैन जिले में पहुंच जाएगी, जबकि 6 मार्च को यात्रा धार से रतलाम होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। जो पर्ची की सरकार है, पर्ची के मुख्यमंत्री निकले हैं, ये 3 सीट पर फोकस कर रहे हैं, करप्शन पे और कच, सबसे ज्यादा करप्शन है मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा क्राइम अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है। कल तो मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं रोज 15,000 करोड़ रुपए 2 महीने में ले लिए। पर्ची के सरकार के मुख्यमंत्री जी का 3 सीट पे फोकस है। जहाँ तक राहुल जी की यात्रा है, मैं मानता हूँ ग्वालियर चंबल संभाग की पार्टी के अद्भुत अकल्पनीय स्वागत सत्कार साहस के लिए जानी जाती है। बहुत कार्यकर्ताओं में उत्साह है और 5 न्याय की बातें करते हुए राहुल जी आई। मैं यहाँ से सैलाना तक रतलाम उधर से देखते देखते हर चीज का एक तरह रिव्यू करते करते जाऊंगा। तो फिर से पर्ची के मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि क्राइम पे, करप्शन पे और कर्ज पे अंकुश लगे। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीजेपी लगातार वो ये कह रहे हैं कि कोई सफल नहीं होगी, राम का नाम मत राम में आते हैं कि क्राइम भी खूब करेंगे, कर्ज भी खूब लेंगे और करप्शन भी खूब करेंगे, ये चाहते हैं बीजेपी। राम यात्रा को लेकर पर्ची के मुख्यमंत्री से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दी खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।